हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस आज मैं ये आपको थोड़ा बहुत ही करके बता रही हूँ, और मुझे लगा कि शायद जो मैं कर रही हूँ वो मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो बस ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ऐसा कोई 30 मार खा वाला काम नहीं कर रही हूँ अपने पति के लिए। जो भी कर रही हूँ ये शायद हर पत्नी अपने पति की इतनी ही केयर करती होगी जितनी मैं करती हूँ। तो बस आज बस ऐसे ही मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। और पहले हस्बैंड मेरे अपने आप से कर लेते थे मतलब, बट अभी उनको 1-2 हफ्ते से अभी ये बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, मतलब उनको चक्कर आ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मैं धुला देती हूँ मुँह हाथ, और ये उमस वाली गर्मी भी है ना, इस वजह से मैं उनको बस मैंने कहा आप कुर्सी में बैठ जाओ। और मन बहलाने के लिए मैं उनसे बातें भी कर रही थी, ताकि आप समझ सकते हैं ना, वो अगर अकेले रहते हैं तो वो ज़्यादा बीमारी के बारे में सोचते हैं। और वो क्या, मेरे ख्याल से सभी लोग, अगर कोई भी व्यक्ति अकेले रहता है तो वो सोचता ही है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ उनको ज़्यादातर बिजी रखने की। और उनका सर भी दुख ही रहा था, प्लस उनके दांतों को जो दर्द है वो भी, उसमें भी आराम नहीं है। तो बस छोटे बच्चों की तरह जैसे अपने बाबू की केयर करती हूँ, वैसे अपने इस बाबू की भी केयर करती हूँ। कोई नहीं, शायद मेरा किस्मत में यही सब लिखा होगा। इसको भी ठीक है कर रही हूँ, पर दुख ये होता है ना कि अभी कोई उम्र नहीं थी। आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और इस टाइम अभी मेरे ख्याल से 10-10:30 बज रहा था, और मतलब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, 5, 5:30, 6 बजे उठ जाती हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद मैंने नहा धो लिया था, पूजा पाठ, मेरा खाना पीना सब, क्योंकि तभी मैं वीडियो के लिए अपने लिए समय निकाल पाती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं पहले से ही कर लेती हूँ। और मैं जब भी वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो आधी रात को जाकर करती हूँ, क्योंकि वैसे ही मुझे नींद तो आती नहीं है, तो बस वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। बहुत समय निकालती हूँ अपनी वीडियो के लिए, एडिटिंग करने के लिए। ये कोई मेरे लिए तो बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है जिस तरीके से, और कर रही हूँ अपने पति के लिए ही कर रही हूँ। क्योंकि जब हमारी शादी होती है तो सारे रिश्ते नाते वहीं बन जाते हैं कि हमें किस तरीके से हर मुसीबत में जैसे हमारा हमें साथ देना चाहिए। अब वो बाल्टी में मेरे कपड़े रखे हुए हैं, हस्बैंड को अपने मुँह हाथ धुला दिया है, अब उनको थोड़ा सा तेल कंघी कर दूँगी, फिर उसके बाद उनको खाना पीना खिला के जो उनकी दवाइयों का समय है वो दवाइयाँ खिलाऊँगी। क्योंकि कई बार मेरे हस्बैंड दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं, या फिर वो आलसपन करके नहीं खा पाते हैं, तो फिर मैं उनको खिला देती हूँ। मतलब मैं उनको टाइम, मुझे हर टाइम याद है कि कौन सी दवाइयाँ किस घंटे के अंतराल में देनी है, ये मैंने अपने माइंड में बैठा के रखी हुई है। तो मैं उनको टाइम टू टाइम दवाइयाँ भी देती हूँ, मेडिसिन भी देती हूँ, और कौन सी दवाइयाँ किस टाइम देनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर कि मेडिसिन मैं उनको दूँ। और तो मैं कहाँ पर थी, हाँ जब हम शादी होकर आते हैं, और कभी कभी मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि क्यों इतना सब रहने दो, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए। मैं बोलती हूँ या रहने क्यों रहने दूँ, अगर मैं बीमार होती तो क्या आप मेरी इतनी सेवा नहीं करते हैं। तो बस इसी बात को लेके मैं उनको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें कि नहीं, या फिर देखिए कोई भी व्यक्ति हो और कि वो इस तबीयत में बहुत टूट जाता है। अगर हम नॉर्मली ही बीमार रहते हैं, पर मेरे हस्बैंड को इतनी बड़ी बीमारी है तो वो कैसे नहीं टूटेंगे। और देखिए इस हाथ में जो सूजन वो दिख रही है, नस कितनी ज़्यादा सूज चुकी है, और 3 ऐसी सूज चुकी है नसें। और यहाँ पे जब हम हाथ रखते हैं ना तो ऐसे जैसे फ़ोन वाइब्रेट होता है ना, ऐसे होती है, और नस इसको धक धक हो जाती है, क्योंकि ये फिस्टुला होता है। और ये फिस्टुला को पता ऑपरेशन होता है, इसमें हमारी जो नस छोटी रहती है इसको बड़ी की जाती है, जिसमें कि डायलिसिस जल्दी जल्दी से हो जाए मशीन में, इस वजह से।
और फिर मैंने सारा आज सब कुछ सूट कैप्चर ही किया है। और बस ये मैं चादर को भी हर दो दिन में चेंज करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे घर में पेशेंट है, तो मैं पूरा साफ़ सफाई का भी ख्याल रखती हूँ, हर चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। किस तरीके से मुझे अपने हस्बैंड को सब्ज़ियाँ बॉईल करके देनी है, किस तरीके से मुझे क्या खाने में देनी है, सारा चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। और अपने बाबू को भी नहला दिया था, तो बाबू भी खेल रहा था, और जो थोड़ा मोड़ा समय मिलता है तो वो वीडियो बनाने में लग जाता है मेरा। और अपने लिए दिन में तो मैं नहीं सोती हूँ, और रात में भी 3-4-5 घंटे की नींद ले ली तो ले ली, ठीक है। वक्त तो बुरा है, हर किसी का वक्त एक सा नहीं रहता है, कभी तो मेरे अच्छे दिन आएंगे, इसी कोशिश में लगी हुई हूँ। और बस अभी मैंने खाना नहीं खाया है, और तो करीब ये 12-12:30 हो गया था, मेरे हस्बैंड खाना खाने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि उनको इस समय खाना मतलब खाया नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों उनसे खाना खपता ही नहीं है। तो फिर भी मैंने कोशिश कर करके उनको 1-1.5-2 रोटी बना दी थी, और उस टाइम में कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तो बस, और ये मास्क मैं इसलिए उनको लगा के रखी हुई हूँ क्योंकि मैंने बताया ना मेरे हस्बैंड को टीबी है, तो उनको खांसी भी आ रही है, तो इस वजह से मैंने लगा दिया है मास्क, क्योंकि ये जो टीबी की बीमारी है वो कमज़ोरी वीकनेस की वजह से आती है, तो ये तो मेरी ख्याल से पर ठीक नहीं, ठीक है, उसकी मेडिसिन चल रही है और शायद अब थोड़ा सा कम ही बचा हुआ है। और जितना ही मैं कटोरी में पानी दी हूँ इतना भी मेरे हस्बैंड पानी नहीं पीते हैं, बहुत थोड़ा सा पियेंगे, 1 घूंट पियेंगे उसी में दवाइयाँ, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो ज़्यादा वेट बढ़ रहा है और फिर ज़्यादा दिक्कत होने लगती है इस वजह से। तो फिर उसके बाद मैं उनको फिर से मैंने लेटा दिया, और अभी उनकी ये स्थिति कि ना उनको खुद से बैठा जा रहा है, ना उनको खुद से चला जा रहा है, कि सिर्फ ही कुछ नई बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। आप मेरी अगर मैंने 1-2 पुरानी वीडियोस में कोई फ़ोटो डाली उसकी अपेक्षा इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, और ये आपको खुद भी दिख रहा हो। कल आरती का बर्थडे है, सोचा तो मैंने बहुत खुश था कि आरती को जन्मदिन में कुछ मैं अगर ठीक होता तो कुछ अच्छा से गिफ्ट उसको कुछ अच्छा से तोहफा देता, लेकिन क्या करूं, किस्मत को कुछ खेल आ रहा भी निराला है ना। मैं अपने बाबू का जन्मदिन अच्छे से मना पाया, ना मैं अपनी वाइफ का जन्मदिन ना वाइफ को कुछ दे सकता हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत ने मेरे साथ क्या खेल किया, वो इतना कर रही मेरे लिए मेरा भी फर्ज बनता है कि उसके लिए मैं कुछ करूँ, कम से कम उसके जन्मदिन में कम से कम उसको कुछ तोहफा दूँ, लेकिन क्या बताऊँ, आप लोग तो सब जानते हो मेरी हालत, बस मेरा प्यार मेरा वाइफ के लिए और मेरा बाबू के लिए, बस मेरा प्यार ही इन दोनों के लिए है, और मैं कुछ नहीं दे सकता। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा हस्बैंड ठीक हो जाए, और आप लोग जितनी हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, जितनी आप लोग को हमारी हेल्प के लिए कहेंगे हमारी उतनी मदद होगी। मुझे सबसे बड़ा मेरा गिफ्ट तो यही रहेगा कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो पहले की तरह ठीक हो जाएं, और हम पहले की तरह बढ़िया बढ़िया सब जन्मदिन मनाएंगे, हम अपने बाबू का ही बनाएंगे, मैं अपना ही बनाऊंगी, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे पति से, है ना। और फ्रेंड आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, आप लोग इस कोरोना महामारी में अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आप हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा, और हो सके तो लाइक करिएगा, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को बाय बाय।
बाय बाय फ्रेंड्स।